पैक को मैंने 2 बार लगा लिया, अब इतना बचा है, मतलब इतना खाली हो चुका है, ठीक है। अब इतना बचा है, अब इसको लगा के फ्री इस पैक से, क्योंकि बहुत से बोलते नहीं दीदी आपने अनियन वाला जो पैक है वो 3 महीने के लिए बताया, 3 महीने हमें रेगुलर लगाना है तब हम इस पैक को लगाएंगे, नहीं ऐसे नहीं। जैसे 3 महीने आपको उसको रेगुलर रखना है, बीच में आपको 1 वीक में या तो 3 बार या 2 वीक में आपको 4 बार इसको लगा लेना है बीच में, ठीक है, वीक में। तो मैंने जैसे इसको 2 बार तो लगा लिया, अभी तीसरी बार है, तीसरी बार में मेरा ख़त्म। जितना आपका हो जाता है उतना आपको बना लेना है एक बार में, और एक बार में जितनी बार आपका लग जाता है उतनी बार आपको लगा लेना है, फिर आपको इस पैक को बंद कर देना है, ठीक है। एक महीने में या 2 महीने के अंदर आपको इस पैक को लगा लेना है, फिर आपको इसे बंद कर देना है। फिर आपका फिर से आप अनियन वाला स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें मतलब कि ये है कि एक और पैक मैंने दही वाला और बताया सीताकाई नींबू वाला, वो भी इसी तरीके से आपको लगाना है कि बीच में जैसे अनियन वाला पैक आपका 3 महीने के लिए रेगुलर चल रहा है, तो उसको आप फिर स्टॉप कर दीजिए 2 से 4 बार लगाने के बाद में, फिर स्टॉप कर दीजिए, फिर आप फिर से सीताकाई वाला जो पैक है वो स्टार्ट कर दीजिए, उसे 2 से 3 2 बार लगाइए बीच में, ठीक है। 2 से 3 बार जितना आप लगा सकते हो, 2 से 3 बार या 2 बार आप उसको लगाइए, फिर उसको लगाने के बाद फिर से उसको स्टॉप कर दीजिए, फिर आप अनियन वाला स्टार्ट कर दीजिए। पैक लगाने का वे ऐसे होता है, मतलब पैक लगाने का जो रूटीन है, अगर आप वन बाय तरीके से करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा और अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। और ये अब मैं जो पैक लगा रही हूँ, जैसे मेरे को मतलब कमेंट आया था कि दीदी हम इसमें शैम्पू नहीं लगाएं तो चलेगा, हाँ आप धुले हुए बालों में इसको लगा रहे हैं, शैम्पू लगाने नहीं लगा रहे हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो उनके लिए शैम्पू लगाने के लिए बोलती हूँ, जैसे उनको ऐसे लगता है कि दीदी हमारा थोड़ा सा स्कैल्प में रह गया है, तो थोड़ा हल्का फुल्का पानी में मिक्स करके आप लोग शैम्पू लगा सकते हो, ठीक है। नहीं तो नहीं है कोई ज़रूरत लगाने की, आप इसको डायरेक्ट लगाएं और बस धुले हुए वालों में लगा करके आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जैसे ही आपका सूख जाता वैसे आप पानी से एयर ब्रश कर दीजिए। तो ये है तरीका पैक लगाने का। आज मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगी, फिर अनियन वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मेरा जैसे ही खत्म होता है फिर अनियन वाला फिर स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर रूटीन स्टार्ट है आप लोगों का, अगर आप लोग तरीके से करते जाते हैं तो आप लोगों के बालों की लाइन बढ़ेगी। अरे मेरे यहाँ का तो इतना पानी बेकार है ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा पानी का भी विशेषकर हेयर फॉल में बहुत फर्क पड़ता है। जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है वो अनियन वाला पैक स्टार्ट करें, उसे हेयर फॉल को रोकने में बहुत ही मदद मिलेगी और बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, और बस अपना रूटीन अच्छे से स्टार्ट रखिए। जिन्होंने मेरे तरह मतलब एक दीदी का कमेंट आया, नाम कुछ है उनका, क्या नाम है थोड़ा मतलब कंफ्यूज है नाम में, पर उनका कमेंट आया दीदी मैंने जब आपने बाल काटे थे ना तभी मैंने भी बाल काटे, कोई बात नहीं, अच्छा है बाल काटना भी जरूरी होता है। कोई बात नहीं, अच्छे से फिर से बड़े हो जाएंगे, आप मेहनत करोगे फिर से बड़े हो जाएंगे।
मेरा कुछ भी घर का काम नहीं हुआ है, इसको लगाने के बाद अभी नहाया भी नहीं हूँ मैं, मतलब नहाई भी नहीं हूँ मैं, सॉरी। तो इसको लगाने के बाद घर का काम भी कर लेंगे, और फिर घर का काम करने से क्या होता है ना कि ये सूख भी जाता है, और हमें टाइम का मालूम भी नहीं चलता। और अगर हम खाली टाइम में इसको लगाएं लेके बैठे रहें तो ऐसा लगता है कब सूखेगा, कब खत्म होगा, मतलब कब टाइम जल्दी से निकलेगा, तो बस धोने की लगी रहती है जल्दी से, तो इस वजह से। से नहीं लगेगा ठीक है सर, तो से भी लगाना पड़ेगा। और हम इसको पूरे लेंथ में लगा रहे हैं, यहाँ तक लगाने के लिए बहुत सारा था, और आज हम इसे ख़त्म करना है, क्योंकि हमें बस खाली इसी वीक इसको लगाना था। अब सोमवार से हम अंजन वाला पैक स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए हम इसको पूरा ख़त्म कर रहे हैं। किसी भी पॉलिथीन वगैरह से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही जुड़ा बना लीजिए। ये क्या है, टाइट हो जाता है पैर लगाने के टाइम पर, डाल बहुत चिपचिप कर देता है, वजन भी इतना लगता है बहुत छोटा। थोड़ा ध्यान से लगाना, और हाँ अगर तुमको नींबू से ठंड होती है तो 2 से 3 ड्रॉपी डालना ठीक है। और ये खत्म हो चुका है, ओके बाय।